हेलो फ्रेंड्स, जीके प्रिंस एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट की, तो उसी के क्रम में ये जो है अगला प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस नंबर 14, जिसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस नंबर 14। इसके पहले 13 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ से वो वीडियो मिल जाएगा, उसको भी देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर भी करना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन को हम लेते हैं। इस तरीके से कुछ दिया गया है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में इसके बाद इसके ऑप्शन दिए गए हैं, माइक्रोफोन का, टाइपराइटर, या फिर डायनामाइट, या फिर ग्रामोफोन। इनमें से अल्फ्रेड के द्वारा किस चीज का आविष्कार किया गया था, इसका आंसर बताना है। ठीक है, इसमें सामान्य ज्ञान और हिंदी के है, दोनों को मिलाकर लगभग 75 क्वेश्चन है, और दोनों के 75 क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को इसलिए एंड तक देखना, पूरा देखना, तभी इसका भरपूर फायदा आपको एग्जाम में मिल पाएगा। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा क्या आविष्कार किया गया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया था डायनामाइट का। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। ये जो अल्फ्रेड नोबेल थे, ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1867 में, ठीक है, 1867 में जो है इन्होंने डायनामाइट की खोज किया था, और इन्हीं के जो है नाम पर नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है नोबेल फाउंडेशन के द्वारा इन्हीं के नाम पर जो है ये किया गया है, 1901 में जिसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कि दिया गया है कि वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, चालन, संवहन, विकिरण, या फिर अभिवहन। इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को जो वायुमंडल में होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको इसका आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, संवहन कहा जाता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु जो होती है वो गर्म होकर धाराओं के रूप में जो लंबवत उठती है और वायुमंडल में तापमान का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की यह प्रक्रिया जो होती है इसको हम संवहन कहते हैं। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे, तो निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबसार के महल को बनाया था। ठीक है, इनमें से किस राजा किसने जो है राजा बिंबसार के महल को बनाया था, कौन सा वास्तुकार था, उसका नाम क्या है बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन सही है, महागोविंद। ठीक है, वास्तुकार था ये, वास्तुकार था, वास्तुकार था। ठीक है, वास्तुकार, ठीक है, वास्तुकार था जिसने राजा बिंबसार के महल को जो है बनाया था, और ये बिंबसार को जो है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और इसने जो है गृह ब्रज यानी कि गृह राजगृह को जो है अपनी राजधानी बिंबसार में बनाया था। तो आंसर डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा इनमें से बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया ऑप्शन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसमें से कौन सा प्राचीन है वेदों में से ये बताना, सबसे प्राचीन। सबसे प्राचीन वेद की अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा ऋग्वेद। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म का आरंभिक स्रोत है, और ऋग्वेद को ही दुनिया के सभी इतिहासकार जो हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की पहली रचना मानते हैं। इसमें अगर देखेंगे तो 10 मंडल का वर्णन किया गया है, साथ ही साथ 1028 सूक्त इसमें दिया गया है। ठीक है, और जिसमें जो है देवताओं की स्तुति की गई है। तो इस तरीके से आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ये पार्ट। अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है ये बताना है। तो इनमें से आंसर की बात करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा, महाभाष, रामायण, अष्टाध्यायी, या फिर महाभारत। इसमें से सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य का नाम क्या है, तो इसमें से अगर देखेंगे तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, रामायण। ठीक है, रामायण और महाभारत ये दोनों सबसे पुराने हिंदू महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं। रामायण और महाभारत की अगर हम बात करेंगे इसमें तो दोनों ही 400 ईसा पूर्व में क्रमशः वाल्मीकि और वेदव्यास द्वारा ये रचित जो है ग्रंथ है, और इसमें अगर हम देखें तो ये कालक्रम में जो है रामायण का काल महाभारत से पहले आता है। इसके अलावा राम का जिक्र महाभारत में भी आता है, इसलिए रामायण को पहले सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य माना जाता है। तो आंसर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलरेन, ठीक है, किस तत्व के ये अपर रूप है ये बताना है। ठीक है,
बकमिस्टर फुल्लरिन किस तत्व के अपर रूप है? इसका हमें आंसर बताना क्या हो जाएगा। तो ये अगर हम देखेंगे इसका आंसर, तो ये कार्बन का अपर रूप है तीनों, तो यहाँ पे आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फुलरीन, डायमंड, ग्रेफाइट, डायमंड मीन्स हीरा, ये सभी कार्बन के अपर रूप है, तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा जो है ए ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा के स्रोत की अगर हम बात करेंगे इसमें से, तो वो हो जाएगा सौर ऊर्जा, जो सूरज की जो ऊर्जा निकलती है उसका स्रोत क्या है? तो वो है नाभिकीय संलयन। ठीक है, उसका कारण क्या है? वहां पे नाभिकीय संलयन होना। नाभिकीय संलयन क्या है? तो जब दो हल्के नाभिक संलयित होकर मतलब मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस तरीके से जो है वो बनता है वहां पे नाभिकीय संलयन, और उसमें जो है बहुत सारी ऊर्जा निर्मुक्त होती है, निकलती है, जिसको हम ऊर्जा, सौर ऊर्जा के नाम से सूर्य से जानते हैं। तो यहाँ पे आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? सब्जी, फल, केंचुआ या फिर एल्युमिनियम, इनमें से कौन सा एक है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है? सब्जी है, फल है, एल्युमिनियम है, केंचुआ है, क्या आंसर इसका हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन सही है, एल्युमिनियम। जो डिकम्पोजर तथा फंगस आदि के द्वारा जो वस्तुएं अपनी संगठनों में टूट जाती है उन्हें बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। अब इसमें सब्जी भी उस तरीके से सड़ गल जाती है, ठीक है, फल भी है, जीव के मृत शरीर है, केचुआ हो गया, भी उसी में आता है, लेकिन जो मानव द्वारा रसायन का प्रयोग किया जाता है उसे निर्मित जो पॉलीथीन हो गया, एल्युमिनियम फॉयल है, ये सभी जैव अपघटित पदार्थ नहीं होते, ये सड़ते गलते नहीं है, तो ये बायोडिग्रेडेबल के एक श्रेणी में नहीं आते। अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है? होयसलेश्वर मंदिर जो है कर्नाटक में कहाँ स्थित है, इसका आंसर बताना है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है होयसलेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है, जो कि कर्नाटक दिए गया है, लेकिन कर्नाटक के हैलेबुडी में जो है, कर्नाटक का हैलेबुडी नामक स्थान पर यह स्थित है। तो आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। और ये जो है कब निर्माण करवाया गया था? तो 12वीं शताब्दी में। उस राजा का नाम क्या था? तो राजा विष्णुवर्धन, राजा विष्णुवर्धन के द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो ये तीन चीजें इसके बारे में याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति शुरुआत किया था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी या ब्लू वाटर नीति की अगर हम बात करेंगे, तो किस पुर्तगाली गवर्नर के द्वारा शुरुआत किया गया था? तो ये शुरुआत किया गया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो कि पुर्तगाल का था, ये गवर्नर था, पुर्तगाली गवर्नर था, तो अल्मीडा के द्वारा जो है ये ब्लू वाटर पॉलिसी शुरुआत किया गया था, यानी कि शांत जल की नीति या फिर नीले पानी की नीति, इसको हिंदी में कह सकते हैं। और इसे 1505 ईस्वी में भारत का पहला पुर्तगाली जो है गवर्नर बनाकर भेजा गया था। तो ये चीजें होगी। अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉम्बे, अलीगढ़, कलकत्ता या दिल्ली। 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ किया गया था, ये बताना है। तो ये स्थापना हुई थी अलीगढ़ में। इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अलीगढ़। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो मथुरा कला विद्यालय किस काल के दौरान जो है अपने शीर्ष पर रहा था? मथुरा कला विद्यालय जो है किस के काल के दौरान अपने शीर्ष पर रहा था, ये बताना है। तो इसके अगर हम बात करेंगे आंसर क्या हो जाएगा, तो ये कुषाण के काल के दौरान शीर्ष पर रहा था, तो राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। ठीक है, और कुषाणों ने जो है पहले शताब्दी से लेकर और 175 ईस्वी के बीच उत्तरी भारत के एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया। मथुरा कला परंपरा जो है इसी अवधि के दौरान विकसित कला परंपराओं में से एक रही थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्तनधारी प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? इसमें से उड़न गिलहरी, चमगादड़, डार्विन लोमड़ी या फिर सफेद लोमड़ी, इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें, तो चमगादड़ एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है, और इसे उड़न लोमड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? तो इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो मानव शरीर में संश्लेषित कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी पार्ट, विटामिन बी थ्री। ठीक है, विटामिन बी3 को मानव शरीर में संश्लेषित कर सकते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो ये भी पूछा जाता है, नियासिन, याद रखिएगा, नियासिन इसका रासायनिक नाम है, जो कि ये किसमें घुलनशील होता है, तो ये जल में।
बी कॉम्प्लेक्स यानी बी से संबंधित B1 B2 B3 इस तरीके से जितने भी विटामिन है ये सभी जल में घुलनशील होता है। विटामिन सी जी विटामिन सी और विटामिन बी ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं, और विटामिन ए डी ई के ये जो है वसा यानी कि फैट में घुलनशील होते हैं। तो ये चीजें हो गई, इसको जो है जरूर याद रखिएगा, ठीक है, इसको क्या है जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कौन सा खनिज मांसपेशियों तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है। इसमें से तो इसमें से कौन सा ऐसा खनिज है जो मांसपेशियों तंत्रिका तंत्र को जो है नियंत्रित करता है। जिंक दिया गया है, लोहा है, फास्फोरस है या फिर मैग्नीशियम, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये आंसर जो है मैग्नीशियम हो जाएगा। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, जो कि ये खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित जो है करता है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, मैग्नीशियम जो है मांसपेशियों तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है। ये मानव शरीर में जो है पाए जाने वाले 5 प्रमुख रासायनिक तत्वों में से एक है। ये मानव शरीर की जो है जैविक क्रियाओं में सहयोग करता है। पत्तेदार सब्जियां, केला, शलजम, बादाम, काजू और इसके जो है प्रमुख स्रोत है, यहाँ से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है। सेबी, सेबी का फुल फॉर्म होता है, इसमें से दिया गया है 4 ऑप्शन, आंसर इसका क्या हो जाएगा। सेबी का फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म बनता है। तो यहाँ पे आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ये अगर हम बात करेंगे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, इसको हिंदी में कहते हैं, जो कि एक बोर्ड है, एक संस्था है, और इसकी स्थापना हुई था 12 अप्रैल 1992 को, 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना किया गया था। और ये जो है अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है एगमार्क क्या है। एगमार्क, एगमार्क की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से एगमार्क क्या हो जाएगा आंसर, 4 ऑप्शन दिए गए, इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो एक मार्ग की अगर हम बात करेंगे तो एक मार्ग क्या होता है, तो एक मार्ग जो है एक तरीके से परिमाण चिन्ह है जो कि खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता को आश्वासन देता है, मुहर देता है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है। इसमें से गेहूं की खेती के लिए इसमें से कौन सी मिट्टी उचित है ये बताना है, काली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी या फिर भूरी मिट्टी या फिर जो है दोमट मिट्टी, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट सही है, दोमट मिट्टी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो है वो दोमट मिट्टी है, और ये ज्यादातर दोमट मिट्टी जो होती है रेत और खाद का मिश्रण होती है, और यह रेतीली के रूप में होती है। इसमें 40% जो होता है वो सिल्ट होता है, ठीक है, 40% क्या होता है दोमट में सिल्ट होता है, 20% चिकनी मिट्टी और शेष 40% बालू होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो यूगोस्लाविया की राजधानी क्या होगी, ठीक है, बताना है यूगोस्लाविया की राजधानी। तो एक राजधानी जरूर पूछेगा, यूगोस्लाविया की राजधानी क्या है ये बताना है। तो यूगोस्लाविया की राजधानी की अगर हम बात करेंगे तो बेलग्रेड है, यहाँ पे आंसर बी पार्ट हो जाएगा, बेलग्रेड, ठीक है। और जो अगर हम देखें तो इसमें पोलैंड की राजधानी वारसा होती है, नाइजीरिया की राजधानी की अगर हम बात करेंगे तो नाइजीरिया की राजधानी क्या होती है, तो नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, ठीक है, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा नाम है। और हंगरी की राजधानी का नाम है बूडापेस्ट, बूडापेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियागो गार्सिया कहाँ पर स्थित है, ठीक है, डियागो गार्सिया कहाँ पर स्थित है इसको बताना है। इसमें दिया गया है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, इसमें से डियागो गार्सिया जो है कहाँ पर स्थित है। तो डियागो गार्सिया जो है इसमें से देखा जाएगा तो हिंद महासागर पर स्थित है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, हिंद महासागर। डियागो गार्सिया जो है एक उष्णकटिबंधीय पदचिन्ह आकार का जो है मूंगे का जो है प्रवाल द्वीप है, ठीक है, क्या है, प्रवाल द्वीप है, तो हिंद महासागर में स्थित है, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो मुंडा भाषा समूह जो है किससे संबंधित है। तो मुंडा भाषा समूह की अगर हम बात करेंगे, इसमें ऑस्ट्रो एशियाई दिया गया, हिंद आर्य यानी इंडो आर्यन,
चीनी, तिब्बती या फिर द्रविड़, किनमें से इसमें से संबंधित है? तो मुंडा भाषा समूह जो है ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है, और ये अगर आंसर की बात करें तो ए पार्ट हो जाएगा। और इसे अगर हम बात करें तो भारत और बांग्लादेश के लगभग 1 करोड़ लोग की ये बोली है, बोली जाती है। ये जो है भाषा ऑस्ट्रो एशियाई परिवार की एक क्या है, ये भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, नर्मदा, इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम जो है कहाँ पर है, भारत के जो है बाहर है? ठीक है, इसका आंसर बताना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसके अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो भारत के बाहर है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो तिब्बत में है, मानसरोवर झील के निकट है, चेम्युंगडुंग हिमनद है वहां से निकलती है, और हिमालय के समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी के नाम से जानते हैं, और असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इसके बाद बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। इतने सारे इसके नाम भी हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आपातकाल के समय इसमें से देखा जाएगा तो भारत के राष्ट्रपति कौन होंगे, आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी पार्ट हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद थे उस समय। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि का आपातकाल घोषित हुआ था, और उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे फखरुद्दीन अली अहमद, इन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सलाह पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 का जो है अधीन भारत में आपातकाल लागू करने की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार अगर देखेंगे तो वो है परमवीर चक्र, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी शुरुआत 1947 से मतलब हुआ था। अगला प्रश्न है, सीरिया की राजधानी क्या हो गया? तो सीरिया की राजधानी की अगर हम बात करें तो सीरिया की राजधानी का नाम क्या है ये बताना है। तो सीरिया की राजधानी का नाम है दमिश्क, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दमिश्क। ठीक है, सीरिया जो है दक्षिण पश्चिम एशिया के जो है एक देश है, तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, इसके किसके द्वारा लिखा गया? तो माई पैसेज फ्रॉम इंडिया ये बुक है, और ये लिखा गया है, उसके लेखक का नाम क्या है? तो उस लेखक का नाम है इस्माइल मर्चेंट, आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक जो है कब हुई थी? तो नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक जो कराई गई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभा के सबसे वरिष्ठ अध्यक्ष जो सदस्य थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और इन्हें अस्थायी अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया था, अस्थायी अध्यक्ष। बाद में अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है बताना? 11वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची, 12वीं अनुसूची या फिर 8वीं अनुसूची, इसका आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान की अगर हम देखेंगे तो इसमें 8वीं अनुसूची जो दिया गया है ये भाषाओं से संबंधित है, इसमें जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर मूल रूप से देखा जाए तो 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी, बाद में बढ़ाकर उसको अब 22 भाषाएं कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा जो है किस देश से लिया गया है यह बताना है। नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम बात करेंगे तो इसमें दिया गया है आयरस के संविधान, अमेरिका के संविधान, जर्मनी संविधान या फिर जापान के संविधान से। तो नीति निर्देशक तत्वों को जो लिया गया है वो आयरस के संविधान से लिया गया है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, आयरस संविधान। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट, आयरस संविधान। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा जो है लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था लिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा संसद में मनोनीत सदस्य जो है ये भी आयरलैंड के संविधान से ही जो है लिया गया है। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से मूल अधिकारों को लिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? इसमें से भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक या कुचिपुड़ी?
इसमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का है ये बता रहा है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सॉरी सी पार्ट, कथक। कथक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य शैली है और ये भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों के 8 रूपों में से एक है। कथक शब्द का उद्भव जो है कथा शब्द से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर या फिर मुरादाबाद, इनमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद जिले को पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। ये जिला जो है रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। मुरादाबाद जो है यहाँ पे पीतल का काम सबसे ज्यादा होता है और इसे जो है ब्रास सिटी या पीतल नगरी दोनों में से एक कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? लोकप्रिय लोकगीत बुंदेलखंड का बताना है। तो बुंदेलखंड का जब बात आएगी तब तो वो हो जाएगा आल्हा। ठीक है, आल्हा जो है बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है। और बिरहा, बिरहा जो दिया गया है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो है तथा तो अगर हम बात करेंगे रसिया की बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश और ये पश्चिमी बिहार में भी इसका जो है प्रचलन है बिरहा का। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें लंगूरिया जो दिया गया, लंगूरिया ये बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। तो ये नया है, इसको याद रखिएगा, लंगूरिया कहाँ का है? बुंदेलखंड का लोक नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है, यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमा से कौन सा राज्य टच करता है, इसमें से बताना है। तो इसमें राजस्थान दिया गया, पंजाब है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो देखिए आंध्र प्रदेश तो काफी दूर है, पश्चिम बंगाल भी और पंजाब। इसमें जो होगा आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश की सीमा को। अब उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें सीमा को टच करने वाले राज्यों में तो सबसे पहले एक एक देश आता है, वो है नेपाल। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा से टच करती है। इसके बाद राज्यों में देखेंगे तो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ और बिहार और इसके बाद झारखंड, इतने सारे राज्य जो है टच करते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? तो उत्तर प्रदेश की पुलिस के चिन्ह में अगर देखेंगे तो मछली के जानवर का चिन्ह होता है। तो यहाँ पे आंसर ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रतीक चिन्ह में जो है नेवी ब्लू और रेड का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही अशोक की लाट के नीचे जो है सत्यमेव जयते भी लिखा गया है और उसके बाद दो मछलियों की आकृति बनी है जिसके नीचे उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा गया है। तो इस तरीके से इतने सारे चिन्ह है जो कि याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है भेड़ कुंड जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था वो उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? ठीक है, भेड़ कुंड जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है ये बताना है। ठीक है, इटावा, फिरोजाबाद, फरुखाबाद या फिर बाराबंकी, इसमें से कहाँ पर स्थित है भेड़ कुंड? भेड़ कुंड जो है कहाँ पर स्थित है भेड़ कुंड जो है ये, और यहाँ पे क्या है, पंचाल नरेश द्रौपदी की पुत्री द्रौपदी से शादी करने के लिए जो है अर्जुन के द्वारा मछली की आंख को निशाना बनाया गया था। तो ये जो है पड़ता है फर्रुखाबाद जिले में। कहाँ पर पड़ता है? फर्रुखाबाद जिला। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है? फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किन्हें इनमें से सम्मानित किया गया है, उनका नाम क्या है? तो अभी ये दिसंबर 2023 में लेटेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये सम्मानित किया गया वी आर ललितांबिका को। तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, वी आर ललितांबिका। इन्हें जो है भारत के गगनयान मिशन के उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक से सम्मान किया गया है। उस सम्मान का नाम क्या है? तो सेवलियर ऑफ वी लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया। तो आंसर ये पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2023 में पांचवें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? पांचवा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, पांचवा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन हुआ है ये केरल राज्य में। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, केरल। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, केरल। ठीक है, केरल राज्य में जो है आयुर्वेद महोत्सव का जो है आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय सशस्त्र बल में एड डी कैंप बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो देखिए वायुसेना में स्क्वाडन लीडर जो मनीषा पाढ़ी है। ठीक है, मनीषा पाढ़ी आंसर ए पार्ट है। और इन्हें भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप में जो है रूप में नियुक्त किया गया है। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अब सामान्य हिंदी के क्वेश्चन की बात करेंगे, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है? हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है ये बताना है। इसमें से 44, 33, 52, 48 दिया गया है।
आंसर सी पार्ट हो जाएगा 52। ठीक है, 52 दिया गया, 52 आंसर हो जाएगा। स्वर उसमें कितना है, स्वर की संख्या 11 है। व्यंजन की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो व्यंजन की संख्या 52 में से 11 घटा दीजिएगा तो वहां पे आपको आंसर इसका पता चल जाएगा। ठीक है, 31। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो 4 हैं, छ त्र स्र। ठीक है, उष्ण व्यंजन कितने हैं, तो 4 हैं, ये भी स स स हा। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, तो ये भी 4 हैं, य र ल व। आयोग वाह व्यंजन 2 हैं, अंग और आहा। ठीक है, ये 2 आयोग वाह व्यंजन हो गए, उष्ण व्यंजन हो गए। ठीक है, द्विगुण व्यंजन ढ ढ हो जाएगा, तो इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चार विकल्पों में से बताना है कि जो विराम चिन्ह युक्त जो है सही विकल्प दिया गया है, इसमें से कौन सही विकल्प के रूप में सही रूप से लिखा गया है ये बताना है। तो इसमें अगर हम सी पार्ट देखते हैं, काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है, तो ये सही रूप से लिखा हुआ है। बाकी सारे कहीं यहाँ यहाँ देखिए इस तरीके से लगा हुआ जो कि गलत है। इसमें कामा ही नहीं लगा हुआ तो ये भी गलत है। इसमें देखिए यहाँ पर कामा लगना चाहिए था तो यहाँ पर लगा हुआ जो कि गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर इसका क्या सही रूप से सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बताना है कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द क्या है, कौन सा है इसमें से संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द की बात करें तो संज्ञा शब्द क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द की बात करेंगे तो इसमें चातुर्य शब्द जो लिखा हुआ है डी पार्ट, वो संज्ञा शब्द है। ठीक है, बाकी मीठा, मधुर और चतुर ये सभी विशेषण शब्द के अंतर्गत आते हैं, और चातुर्य क्या है, संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है, तो इनमें से किसके द्वारा किया गया है बताना आंसर इसका हो जाएगा। तो उनका नाम है डॉक्टर दीम सित, डॉक्टर दीम सित नाम है उनका, आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए संयुक्त सर्वनाम नामक जो है सर्वनाम की पृथक श्रेणी जो है इसका उल्लेख डॉक्टर दीम सित ने किया है, जो ऐसे शब्द जो संयुक्त होकर सर्वनाम के रूप में कार्य करते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे कि सब, कोई, जो, कोई, कोई ना कोई, इस तरीके से संयुक्त सर्वनाम होते हैं। अगला प्रश्न, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं ये बताना है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो कला का अंतिम सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, तो यहाँ पे अंतिम शब्द क्या है ये विशेषण हो जाएगा, सर्वोच्च शब्द भी विशेषण हो जाएगा, ध्येय शब्द भी विशेषण हो जाएगा। तो कला और संदेश सौंदर्य, कला और संदोर सौंदर्य जो दिया गया दोनों क्या हो जाएंगे, विशेष शब्द हो जाएंगे या फिर संज्ञा शब्द हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 विशेषण शब्द हैं, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं, परिभाषा है, किसका परिभाषा है, तो जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें कहा जाता है क्रिया, तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अव्यय नहीं, इनमें से अव्यय शब्द की बात करेंगे, इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा, जूता, आज, भीतर, यहाँ पर, इसमें से कौन सा एक अव्यय नहीं है, तो इसमें से जूता शब्द अव्यय नहीं होता। ठीक है, ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जबकि आज, भीतर, यहाँ, ये सारे अव्यय शब्द हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं, किसी क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विषमयादि बोधक अव्यय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग इनमें से कौन सा नहीं है, इकारांत संज्ञा नदी, टोपी, उदासी, पहिया, इसमें से कौन सा इकारांत संज्ञा नहीं है, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, संज्ञा नहीं है इसमें से। तो पहिया की अगर हम बात करेंगे तो ये इकारांत शब्द नहीं होता। ठीक है, ये इकारांत संज्ञा न जो है नहीं होती, पहिया आकारांत पुल्लिंग शब्द होता है, बाकी सारे इकारांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म बताइए, वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म बताइए, तलवार का तलवारें दिया गया है, चूहा का चूहे, थैला का थैले, मेहमान का मेहमानों, तो वचन के आधार पर असंगत यानी कि गलत कौन सा है, तो ये गलत है डी पार्ट। ठीक है, मेहमान का जो मेहमानों दिया गया ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिलती है, दिए गए वाक्य का काल बताना है, किस काल में जो है वाक्य लिखा गया है, तो ये अगर हम बात करें तो आसन्न भूतकाल में ये वाक्य लिखा है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं, तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझसे अब चला नहीं जाएगा, अब मुझसे अब चला नहीं जाएगा, मुझसे अब नहीं चला जाएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, मुझसे अब नहीं चला जाएगा, इस वाक्य में कौन सा जो है वाच्य है, वाच्य के प्रकार बताना है,
वाच्य की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है भाववाच्य है, ठीक है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, भाववाच्य। क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहा जाता है जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो, तो वहां पर भाववाच्य होगा, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म जो है असंगत है, यानी कि गलत है। कारक की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से देखा जाए तो अधिकरण का जो का दिया गया है यह गलत है, बाकी कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से अलग होने में, और अधिकरण का होता है मे पर, अधिकरण क्या क्या होता है मे पर, जो कि यहाँ पे का दिया गया था जो कि गलत था। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, इसमें से तत्सम शब्दों की बात करेंगे तो इसमें से हो जाएगा डी पार्ट, अक्षर। अक्षर क्या होता है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या बनेगा आखर, तद्भव शब्द बनता है आखर। अश्रु आंख जो दिया गया है, आंख जो है आपका तद्भव शब्द है, इसका जो है तत्सम होता है अश्रु, अश्रु ठीक है, अश्रु होता है। इसके बाद आशीष, आशीष जो दिया गया है यह आपका तद्भव शब्द है, इसका जो है तत्सम होता है आशीष, आशीष होता है ठीक है। इसके बाद आंसू दिया गया है, आंसू का जो है तत्सम होता है सॉरी अश्रु, और यहाँ पे आँख का जो मैंने गलत बता दिया था, तो ये हो जाएगा आँख का जो होता है तत्सम वो होता है अक्ष ठीक है, ना कि अश्रु। तो आँख का तत्सम अक्ष होता है, आंसू का तत्सम अश्रु होता है, तो ये दोनों में याद रखिएगा कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है, किनमें से किस विकल्प में उपसर्ग और उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, किन शब्दों में ये बताना। इसमें अगर हम बी पार्ट देखते हैं, परित्यक्ता और अनुनादित, इन दोनों में परित्यक्ता में परि उपसर्ग और त्यक्त मूल शब्द है, और आ शब्द क्या है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, और अनुनादित में अनु शब्द उपसर्ग है, नाद शब्द मूल शब्द, और इति शब्द क्या है इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो राइट आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया हुआ है, तो बंगाली में प्रत्यय की बात करेंगे तो इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा ठीक है, ई प्रत्यय लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन, जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द जो दिया गया उत्साह, इसका सही विलोम क्या होगा, उत्साह का विलोम क्या होता है, उत्साह का विलोम होता है निरुत्साह, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। अमृत का विलोम क्या होता है, अमृत का विलोम होता है विष, अमृत का विलोम क्या होता है विष, तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा विष ठीक है। रामू बेहद गरीब है, इसमें गरीब शब्द का बताना है पर्यायवाची शब्द ठीक है, तो गरीब शब्द का पर्यायवाची हो जाता है निर्धन, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा निर्धन ठीक है, गरीब शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा निर्धन हो जाएगा। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है बताना है, ऑप्शन दिया गया कुछ, औरत देवांगना आराधना पार्वती, इसमें से अपर्णा शब्द का जो है पर्यायवाची क्या होगा यह बताना है, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची होता है पार्वती, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है ठीक है, अपर्णा का पर्यायवाची पार्वती। इसके अन्य पर्यायवाची में गौरी आते हैं ठीक है, गौरी हो जाएगा, गिरिजा है, साथ ही साथ इसमें अगर हम देखें तो पार्वती है, भवानी है ठीक है, भवानी और रुद्राणी, ये सभी जो है अपर्णा का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख में अंजन दांत में मंजन, वाक्य में अंजन शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है, इसमें ऑप्शन में दिया गया है, तो इसमें अगर देखा जाएगा तो अंजन मतलब यहाँ पे काजल का अर्थ होगा ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट काजल। समश्रुत शब्द अली और अली शब्द का युग सही अर्थ क्या होगा, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा डी पार्ट, पहले अली का भवरा होता है, दूसरे अली का शंख होता है, सखी होता है सॉरी सखी। अगला क्वेश्चन, वो स्थान जहां से यमुना निकलती है, वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा, तो उसके लिए हम कह सकते हैं यमुनोत्री कहते हैं ठीक है, जहां पे यमुना निकलती है इसको यमुनोत्री कहेंगे, और जहां से गंगा निकलती है उसको गंगोत्री कहेंगे ठीक है, और पर्वत के पीछे से सूर्य का जो उदय होता है उसको हम उदयाचल कहते हैं, और पर्वत जिसके पीछे सूर्य अस्त होता है उसको हम अस्ताचल कहते हैं, तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना देख रेख का जानवर, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, बिना देख रेख का जानवर जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है क्या होगा ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बिना देख रेख के जानवर को एक शब्द में हम कहेंगे अनेर, क्या कहेंगे अनेर कहेंगे, यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय समय वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा ये बताना,
उसी वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है, या फिर उसी वर्ण का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण हो जाता है, या फिर उसी वर्ग का जो है चतुर्थ वर्ण हो जाता है, या फिर उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। बताना है इनमें से कौन सा आंसर इसका सही है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। इसके आंसर की बात करेंगे तो ये बी पार्ट है, ठीक है। उसी वर्ग वर्ग का अनुनासिक अर्थात पांचवा वर्ण हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग में अशुद्धि है, इसमें से कौन से युग में अशुद्धि दिया गया। दाल रोटी द्वंद्व समास दिया गया है, सत सही द्विग समास है, आजन्म अव्ययीभाव समास, प्रतिवर्ष दिया गया कर्मधारय समास। यहाँ पे कहाँ पे गलती किया गया, मतलब कि अशुद्धि मतलब गलती की गई। देखिए दाल रोटी जो द्वंद्व समास दिया गया ये तो सही है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो सत सही जो द्विग समास दिया गया ये भी सही है, ठीक है। आजन्म आजन्म अव्ययीभाव समास ये भी सही है। तो इसमें गलती कहाँ पर किया गया, तो गलती किया गया प्रतिवर्ष कर्मधारय समास जो दिया गया ये गलत है। प्रतिवर्ष कर्मधारय जो है ये गलत है, ठीक है। प्रतिवर्ष में जो देखेंगे तो अव्ययीभाव भाव समास है, इसमें अव्ययीभाव भाव समास है, ठीक है, ना कि यहाँ पे कर्मधारय। अव्ययीभाव भाव समास में क्या होता है कि प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, जैसे प्रतिवर्ष, हर वर्ष, आजन्म यानी कि जन्म से, बेकाम मतलब बिना काम के, बेलगाम मतलब बिना लगाम के आते, इस तरीके से यहाँ पे जो आंसर आपका होगा वो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य यानी कि शुद्ध रूप से लिखा हुआ वाक्य किस विकल्प में दिया गया है ये बताना है। तो महादेवी छायावादी कवयित्री हैं, जब भी आप आओ मुझे मिलो, मिले आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, किस कौन सा इसमें से सही रूप से लिखा हुआ, बाकी सारे गलत हैं। तो सही रूप से सिर्फ डी पार्ट में लिखा हुआ, ठीक है। रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, यह सही रूप से लिखा हुआ है, बाकी आपका दर्शन पाकर मैं धन होगा जो कि गलत है। इसका अगर शुद्ध वाक्य होगा तो होना चाहिए था आपके दर्शन पाकर मैं धन होगा, ना कि आपका। जब भी आप आओ मुझे मिले, यहाँ पर गलती की गई है, जब भी आप आओ मुझे मिले, इसका शुद्ध क्या होगा, जब भी आप आए तो मुझसे मिले, यहाँ पे मुझे मिले लिखा था जो कि गलत था। महादेवी छायावाद कवयित्री है तो यहाँ पे छायावादी कवयित्री जो है गलत लिखा है, यहाँ कवयित्री जो लिखा जाता है कवयित्री स्त्री के लिखा जाता है, ठीक है, कवयित्री। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाव के दो प्रकार कौन से, विभाव इसमें से क्या हो जाएगा इसका आंसर। विभाव जो होता है इसके दो प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं। आलंबन या उद्दीपन होता है, स्थायी या संचारी होता है, अनुभाव या स्थायी होता है, आलंबन या संचारी होता है, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विभाव जो होता है वो आलंबन या उद्दीपन, ये दो प्रकार इसका होता है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। अभाव विभाव का दो प्रकार आलंबन या उद्दीपन होता है। अगला प्रश्न है, कमला में कौन सा गण रूप बताना है इसमें से। कमला में तो कमला में गण रूप की अगर हम बात करेंगे कौन सा है, जगड़ है, रगड़ है, मगड़ है या सगड़ है। तो इसमें से गण रूप की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, सगड़ है, ठीक है। अब वार्णिक छंदों की जो गणना होती है वो गण के क्रमानुसार में किया जाता है, तीन वर्णों का एक गण होता है। गणों की कुल संख्या कितनी होती है, तो टोटल आठ होती है, जैसे कि यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़, ठीक है। तो इस तरीके से ये कमला में अगर देखेंगे तो सगड़ मतलब गण रूप हो जाएगा, जिसमें दो लघु और एक गुरु वर्ण है, ठीक है। अगला प्रश्न, मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अगर हम अलंकार की बात करेंगे तो देखिए, जहाँ वर्गों की आवृत्ति बार बार हो और चमत्कार उत्पन्न हो जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो आंसर बी पार्ट, जो देखिए मा 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 और फिर सा सा सा, इस तरीके से वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न, काव्य रीत के कितने भेद होते हैं, काव्य रीत के कितने भेद होते हैं इसमें से, क्या आंसर इसका हो जाएगा काव्य रीत। तो काव्य रीत के भेदों की बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा, तीन भेद होते हैं। काव्य रीत के कितने भेद होते हैं, तीन भेद, तो आंसर क्या जाएगा डी पार्ट, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, वैदर्भी पहला तो हो जाएगा उसमें, वैदर्भी के बाद उसमें होता है गौड़ी, ठीक है, गौड़ी के बाद तीसरा इसमें आता है पांचाली, गौड़ी के बाद इसमें पांचाली आता है। और इसमें अगर ये काव्य रीति क्या होता है, तो किसी भी काव्य की रचना के लिए कवि के द्वारा जिस शैली का प्रयोग किया जाता है उसे काव्य रीति कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीन प्रकार इसके होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, होनहार बीरवान के होत चिकने पात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा।
इसका अर्थ क्या होता है? होनहार वीरवान के होत चीकने पात, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा जो होती है वो बचपन में ही दिखाई दे जाती है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। बिल्ली के गले में घंटी बाजना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बिल्ली के गले में घंटी बाजने इस लोकगीत का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ बनता है अपने को संकट में डालना, मतलब अपने को संकट में डालना, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है ये बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, दो खंडों में, या फिर चार खंडों में, या फिर पांच खंडों में, या फिर तीन खंडों में। तो हिंदी साहित्य को अगर हम देखेंगे तो कितने काल खंडों में विभक्त किया गया है यह बताना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, चार खंडों में विभक्त किया गया है। कौन कौन सा है? तो पहले उसमें आता है आदिकाल, ठीक है, दूसरा उसमें आ जाएगा भक्तिकाल, तीसरा उसमें है रीतकाल, ठीक है, रीतकाल के बाद चौथा इसमें आ जाता है आधुनिक काल। तो ये चार प्रकार के खंडों में जो हम विभक्त करते हैं, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य को चार खंडों में विभाजित किया जाता है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे गद्यांश दिया गया, गद्यांश को पढ़िएगा, इस तरीके से गद्यांश दिया गया है। और हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गद्यांश के, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से इसमें दिया गया है। पहला क्वेश्चन गद्यांश है कि राष्ट्र सांस्कृतिक और विरासत क्रमशः कौन सी व्याकरणिक इकाइयां हैं? तो ये कौन से व्याकरणिक इकाइयां हो जाएंगे? तो ये अगर हम बात करें राष्ट्र की, तो राष्ट्र क्या है? तो राष्ट्र एक संज्ञा है, ठीक है। सांस्कृतिक क्या है? तो विशेषण हो जाएगा, और विरासत भी संज्ञा हो जाएगी। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संज्ञा विशेषण संज्ञा। अंतर विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि है? अंतर विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि, इसमें संधि बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये इसका अगर हम क्या कहते हैं कि विग्रह जब करेंगे संधि का, सॉरी संधि विच्छेद जिसको कहते हैं, तो संधि विच्छेद बनता है इसका अंतः प्लस विरोध। और जहां पर ये विसर्ग बिंदी लग जाए वहां पे कौन सी संधि हो जाती है? विसर्ग संधि हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है? अब इस गद्यांश को जब आप पढ़ेंगे तो आपको निकल के आएगा इसका आंसर कि व्यक्ति की दृष्टि जो है कब संकुचित हो जाती है। तो गद्यांश को पढ़ने के बाद इसका आंसर निकल के आएगा सी पार्ट, जब व्यक्ति धर्म जाति कुल आदि को प्रमुख मानने लगता है तब उसकी क्या होती है? दृष्टि संकुचित हो जाती है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है? तो गद्यांश को पढ़ने के बाद इसका आंसर क्या निकल के आएगा? इसका निकल के आएगा आंसर इसका ए पार्ट, ठीक है। एक जागरूक नागरिक के रूप में धर्म जात भाषा आदि के तुच्छ मतभेदों को भुलाकर एक सुयोग और कर्मठ व्यक्ति को मत दें, यह इसका जो है कर्तव्य हो जाता है हमारा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा जो है ए पार्ट करेक्ट। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।